हेलो गाइस, वेलकम टू योर पीटी चैनल। इट्स योर पर्सनल ट्रेनर नवजोत सिंह। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बिगिनर्स का वर्कआउट प्लान। जैसे अगर आपका पहला दिन है जिम में, आप कंफ्यूज हैं क्या लगाऊं क्या ना लगाऊं, आजू बाजू में काफ़ी लोगों को देख रहे हो आप, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ, कोई कैसी एडवाइस दे रहा है, कोई किसी तरह की एडवाइस दे रहा है, और आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो अगर आपको एक अच्छी बिल्ड चाहिए जिम के बिगिनिंग से ही, एक अच्छे से आप प्लानिंग के साथ चलें ताकि आपकी बॉडी एक अच्छी शेप में आए, एक अच्छी मस्कुलर बिल्ड बने जो दिखने में भी अच्छी हो और पावरफुल भी हो, तो जो जो एक्सरसाइज मैं अब इस वर्कआउट की सीरीज में बताऊंगा उनको प्लीज़ आप फॉलो करें। आपको रिजल्ट दिखेगा, आप स्ट्रांग भी होंगे, आपकी बॉडी भी ब्यूटीफुल बनेगी, तो एवरीथिंग आपको मिलेगा। तो बस जैसे जैसे मैंने प्लान बनाया है उसको फॉलो करें और आपको रिजल्ट दिखेगा। तो आज मैं बताऊंगा कि पहले हफ्ते में आपने कौन सी एक्सरसाइजेस लगानी है जिम के, तो आप इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करें और आपको रिजल्ट दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि कौन सी एक्सरसाइजेस लगानी है। लेट्स गो। तो अब जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो है स्क्वैट्स। बहुत जरूरी एक्सरसाइजेस है, इसको आप प्लीज़ नेगलेक्ट ना करें। और मैं बताता हूँ आपने कैसे लगानी है। पहला दिन है जिम में, कैसे लगाओ आप स्क्वैट्स को आपको बताता हूँ। तो सब आपने अपने पैरों को शोल्डर विड्थ अपार्ट रखना है लाइक दिस, और टोस हल्के से बाहर अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री। 45 डिग्री का आपको पता नहीं चलेगा, बस हल्के से बाहर रखें आप ऐसे जितने मेरे हैं। तो दैट्स इट, आपकी स्क्वैट फॉर्म तैयार हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने बस नीचे जाना है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि बैठक लगानी है। नीचे जाना है लाइक दिस और फिर ऊपर आना है, ये स्क्वैट्स लगानी है आपने। और आपने ये स्क्वैट्स लगाते टाइम अपनी नीज का खास ध्यान रखना है कि जब आप नीचे से ऊपर आएँ तो आपकी नीज ऐसे अंदर को ना हो, इससे आपकी नीज पे बैड असर पड़ सकता है और आपकी नीज इंजर हो सकती है। आपने अपनी नीज को स्टेबल रखना है, नीचे जाना है, नीज यहीं पे रहें लाइक दिस, और ऊपर आना है, ये अंदर को नहीं होनी चाहिए, ये स्टेबल रहनी चाहिए और आपने ऊपर को आना है। तो इस तरह आपने स्क्वैट्स लगानी है। और कुछ लोगों से पूरा नीचे नहीं जाया जाता, वो क्या करें, क्या करना है, पीछे टेबल को रख लेना है, ये जैसे मेरे टेबल पीछे पड़ा है, और आपने क्या करना है, नीचे जाना है, अपनी बट को टच करना है और ऊपर, ऐसे आपने बैठ नहीं जाना, आपने टच करना है ऊपर, ये मैंने टच किया और ऊपर, ये मैंने टच किया ऊपर, और ये यूज टू हो गए, आपने टेबल को थोड़ा थोड़ा नीचे करते जाना है, टेबल की हाइट आपने कम करते जाना है, और इस तरह आप स्क्वैट लगाने के पूरे काबिल हो जाओगे बिना टेबल के भी। बट जैसे अगर आपसे स्क्वैट नहीं लगती तो इस ड्रिल को ट्राई करें और आपसे स्क्वैट लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो हो गई हमारी स्क्वैट्स, जो कि है पहली एक्सरसाइज। इसके आपने दो सेट लगाने हैं और 12-15 रेप लगाने हैं, ज़्यादा 3-4 सेट लगाने की कोशिश ना करें, अभी आप बिगिनर हैं। अगर आप 3-4 सेट लगा लेंगे, लगा तो आप लोगे, बट नेक्स्ट दिन आपने जिम नहीं आ पाओगे। तो हमने मेन चीज़ को क्या रखना है कि हम रेगुलर आएँ जिम में, तो उसके लिए आप बस दो सेट लगाएं, बॉडी को ज़्यादा पुश ना करें, पहला दिन है आपका, और उसके बाद फिर दूसरी एक्सरसाइज पर आ जाएं। तो अब हम लगाएंगे हमारी दूसरी एक्सरसाइज, जो कि है बैक एक्सटेंशन। कैसे लगाते हैं, आइए मैं बताता हूँ आपको। तो अब हम आ गए हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज पे, जो कि है बैक एक्सटेंशन, जो कि बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है। ये मशीन हर जिम में होती है, अगर आपके जिम में नहीं है तो लीव दैट जिम, बिकॉज दिस इज़ वेरी एसेंशियल एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव मशीन। तो आप इस पे कैसे लगाना है, हमने ये पैर हमने पीछे लगाए, ऐसे पैरों को फंसा लेना है पीछे, और ये अपने हाथों को शोल्डर्स पर रख लेना है क्रॉस करके लाइक दिस, एंड फिर आपने नीचे जाना है और फिर ऊपर आना है, और बैक को स्क्वीज करना है, अपनी लोअर बैक को स्क्वीज करना है लाइक दिस, डाउन एंड अप, इस तरह आप लगाएं। इसके भी आपने दो सेट लगाने हैं, 12-15 रेप, ज़्यादा पुश करने की कोशिश ना करें बॉडी को, पहला दिन है आपका, ये एक्सरसाइज ज़रूरी है आपकी लोअर बैक के लिए। तो ये मैं पहले वीक में आपको क्यों लगवा रहा हूँ, क्योंकि आपका बेस इसी पर डिपेंड करेगा, जो भी आप लिफ्ट्स करोगे, ओवरहेड प्रेसेस, स्क्वैट्स, हर एक चीज़ का इस पर जोर आएगा, तो आपको ये बिगिनिंग से ही स्ट्रांग रखनी है ये चीज़। तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर लगाएं। तो अब जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो है बेंच प्रेस। कैसे लगानी है, आइए मैं बताता हूँ आपको। बेंच प्रेस लेकिन आपने रॉड के साथ नहीं लगानी, डंबल्स के साथ लगानी है।
मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं बिगिनर्स को भी फ्री वेट पे रखूँ। अगर आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है तो आप मशीन्स का यूज़ करें, लेकिन अगर आप ठीक है एवरेज स्ट्रेंथ है, जैसे कि मैक्सिमम लड़के मेरे पास आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, उनकी एवरेज स्ट्रेंथ होती है, तो मैं उनको मशीन्स पे नहीं लेके जाता, मैं उनको डंबल्स के पास लेके आता हूँ। तो आपने डंबल्स पकड़ने हैं, लेकिन सबसे हैवी डंबल नहीं पकड़ना आते ही, आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पकड़े। मैं भी आज लाइट पकड़ूंगा, तो जैसे मैं ये 7.5 का डंबल पकड़ लेता हूँ आपको बताने के लिए, लगाने को मैं कोई भी लगा लूँगा, लेकिन आपको बताने के लिए 7.5 का डंबल। तो आपने आना है, बैठना है लाइक दिस, और डंबल्स को अपनी नीज पे रखें लाइक दिस, और हल्का सा लिफ्ट करके ऊपर को पीछे को लेट जाएं, ऐसे आप लेट गए। फिर आपने क्या करना है, डंबल्स यहाँ पे हैं आपकी चेस्ट के पास, ऊपर को पुश करना है और डंबल्स को क्लोज करना है लाइक दिस। 1, 2, 3। और जब आप ऊपर आ रहे हैं अपनी चेस्ट को पूरा स्क्वीज करें, नीचे आते टाइम पूरा स्ट्रेच करें, माइंड मसल कनेक्शन बनाएं पूरा फोकस के साथ, अप स्क्वीज डाउन, अप स्क्वीज स्लोली डाउन। इस तरह आपने 2 सेट लगाने हैं, 12-15 रेप हों आपके, और मसल माइंड मसल कनेक्शन बना के अच्छे से लगाएं। तो ये आपकी हो गई आप हमारी 3री एक्सरसाइज। तो अब है हमारी 4थी एक्सरसाइज, जो कि है पुल डाउन। पुल डाउन कैसे लगानी है, आपने यहाँ से ग्रिप पकड़नी है, कितनी विड्थ पे पकड़नी है, अपने शोल्डर से हल्का सा बाहर ये ग्रिप, ये नहीं कि आप ज़्यादा चौड़ा पकड़ोगे तो ज़्यादा चौड़े हो जाओगे, जैसे ज़्यादा ट्रेनर्स बोलते हैं। अगर कोई आपका ट्रेनर आपको ऐसे बोलता है तो लीव दैट ट्रेनर, इज़ नॉट एजुकेटेड। आपने एक मीडियम ग्रिप पकड़नी है, जैसे मेरी बॉडी इतनी चौड़ी है तो मैं हल्का सा इससे बाहर यहाँ से पकड़ूंगा, ठीक है। यहाँ से मैंने पकड़ा, खींच के मैं नीचे बैठा, और अब मैंने क्या करना है, इसको रॉड को अपनी चेस्ट के साथ लगाना है, यहाँ पे लगाया और अप डाउन, चेस्ट पे लगाया स्क्वीज, अप डाउन, चेस्ट पे लगाया स्क्वीज, अप। आपने ऐसे इसके भी 2 सेट लगाने हैं और 12-15 रेप लगाने हैं। तो ये हो गई हमारी 5थ एक्सरसाइज है, जो कि है ओवरहेड प्रेसेस शोल्डर के लिए। आ जाओ मैं बताता हूँ वो भी कैसे लगानी है। तो सबसे पहले आपने सीटेड बेंच पे बैठ जाना है लाइक दिस, ये सीटेड बेंच भी हर जिम में होता है, और आपने बैठ के क्या करना है, अपनी बैक को ऐसे सपोर्ट कर लेना, लोअर बैक को हल्का सा आगे रखें और अपर बैक को पूरा आप अटैच कर लें लाइक दिस, ताकि आपकी लोअर बैक पे स्ट्रेस ना पड़े, बिगिनर हो आप अभी। और वेट भी आपने मॉडरेट पकड़ना है लाइक दिस, लाइट डंबल पकड़ें, ज़्यादा हैवी डंबल पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, और इनको अपने शोल्डर्स पर रखें लाइक दिस, बैक पूरी पीछे अटैच, लोअर बैक हल्की सी आगे, और आपने ऊपर को पुश करना है लाइक दिस। ऊपर जाके आपने अपने शोल्डर्स को पूरा स्क्वीज करना है और नीचे आना है लाइक दिस। 1, अप, 2, डाउन, वेरी गुड लाइक दिस। 1 मोर, 1, पुश, यस लाइक दिस। तो आपने ऐसे इसके भी 12-15 रैप लगाने हैं, और सेट्स अगेन 2। तो ये थी हमारी 5थ एक्सरसाइज। अब हम लगाएंगे हमारी 6थ एक्सरसाइज, जो कि है सीटेड रोइंग। आइए वो भी लगाते हैं हम। 6थ एक्सरसाइज हमारी सीटेड रोइंग। ये मशीन आपके जिम में होगी, ये नहीं है तो मे बी केबल मशीन होगी आपके जिम में, और केबल मशीन पे आप नीचे बैठ के ये सीटेड रोइंग लगा ले, लेकिन हमारे जिम में मशीन है ये वाली, तो हम इस पे लगाएंगे। तो आपने क्या करना है, आप बैठ गए, रिलैक्स हो गए, अपनी लेग्स को आगे रखें लाइक दिस, बैक आपकी सीधी रहनी चाहिए, बैक ऐसे फोल्ड ना हो ध्यान रखें, अगर आपकी बैक फोल्ड हो रही है तो ये एक्सरसाइज आप ना लगें, रहने दें, इसको स्किप कर लें आप। आप बैक एक्सटेंशन पे पहले अभी ज़्यादा जोर दें, आपकी बैक ऐसे सीधी रहनी चाहिए, ऐसे सीधी है तो आपने आगे से ग्रिप्स को लाइक दिस पकड़ना है, और पीछे को पुल करना है बॉडी को, और फिर यहाँ से आपने आर्म्स को पुल करना है पीछे को एल्बोस के जोर से, और ये स्क्वीज करना है अपने स्टमक पे रख के, अगेन पुल पुल रिलीज स्ट्रेच एंड पुल रिलीज स्ट्रेच एंड पुल। और इस एक्सरसाइज में आपने ध्यान रखना है
या आप बैक को ऐसे वेव ना करें लाइक दिस, ये मेरी बैक वेव हो रही है। यहाँ पे मेरी अपर बैक का जरा भी वर्क नहीं कर रही, लोअर बैक वर्क कर रही है। तो हमने इसको अपनी मिड बैक और अपर बैक के लिए लगाना है। तो वो कैसे लगाना है ये देखिए, ये हम आगे आए हल्का सा पीछे गए, अब यहाँ से हमने सिर्फ आर्म्स के जोर से लगानी, ये स्क्वीज थोड़ा सा चेस्ट को बाहर करके, ये रिलीज किया स्ट्रेच, ये पुल स्क्वीज, ये रिलीज किया स्ट्रेच। तो इस तरह से आपने सीटेड रोइंग लगानी है। अब है हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो कि है स्टैंडिंग काफ रेसेस। कैसे लगाने हैं आइए मैं बताता हूं आपको। तो अब हमारी है सेवन्थ एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज जो कि है स्टैंडिंग काफ रेसेस ऑन द फ्लोर। इसकी मशीन भी होती है लेकिन आप बिगिनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फ्लोर पे लगाएं, आप मशीन पे अभी ना जाएं क्योंकि मशीन पे आपको नीचे जाना पड़ेगा, तो मे बी आपके काव वगैरह पे जोर आ जाए। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप फ्लोर पे लगाएं, आप डंबल पकड़ लें लाइट से थोड़े, और आपने क्या करना है अपने हील्स को ऊपर उठाना है। कैसे उठाना है लाइक दिस, पैरों को आपने बरोबर रख लेना है और फिर हील्स को ऊपर उठा के अपने काव को स्क्वीज करना है। अप स्क्वीज डाउन, अप स्क्वीज डाउन, अप स्क्वीज डाउन। इस एक्सरसाइज के भी आपने दो तीन सेट लगाने हैं और इसके लेकिन आपने रेपिटेशन लगानी है 15-20। लास्ट एक्सरसाइज जो कि है स्टैंडिंग काफ रेसेस। और इसके बाद अब हमने रेस्ट लेनी है, आप प्रोटीन लें, अच्छी डाइट लें, स्लीप लें और कल के लिए फिर तैयार हो जाएं जिम में आने के लिए। सो अब सारा वर्कआउट आपका कंप्लीट हो गया, तो आप यहाँ पे थोड़ा कूल डाउन करें साइकिल पे आके, और स्टार्टिंग में भी आपने थोड़ा वार्म अप करना है, बॉडी को वार्म करना है और फिर आपने अपना वर्कआउट स्टार्ट करना है, सीधा ही नहीं कर देना। तो ये हमारा फर्स्ट डे था जिम में सारा, कि जो जो एक्सरसाइज हमने लगाई। तो ये एक्सरसाइज मैं आपको रेकमेंड करूँगा कम से कम एक हफ्ता करें। वैसे मेरे से आप पर्सनली पूछोगे तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप कम से कम इसको 15 दिन, 2 हफ्तों के लिए ये वर्कआउट प्लान को आप फॉलो करें ताकि आपकी बॉडी जिम इक्विपमेंट्स के यूज्ड टू हो जाए और आपकी फॉर्म भी थोड़ी अच्छी हो जाए। क्योंकि आपका अभी बिगिनिंग है, दूसरों को देख के अपने प्लान्स को मत बदलें, इस प्लान के साथ स्टिक रहें और आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। धीरे धीरे ही अच्छी बॉडी बनती है, ना कि एक दिन दो दिन में। तो इस एक्सरसाइज को आप 2 हफ्तों तक फॉलो करें और फिर हमारा आएगा दूसरा बिगनर्स का वर्कआउट प्लान जो कि है हमारा लेवल 1। लेवल 1 में हम कौन सी एक्सरसाइज लगाएंगे वो मैं आपको अगली बार बताऊंगा। तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर।